आप टेक्नोटेक जीपीएस का कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, इस पे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बगल में बेल आइकन है, इसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपके पास किसी भी कंपनी का कैसा भी जीपीएस है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करके उसको चालू करा सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिए गए हैं, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल भी कर सकते हैं। कैसा भी जीपीएस हो आप उसको ऑनलाइन मैप के ऊपर चलता हुआ देख सकते हैं। फिर हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास ये जीपीएस है, आप नया खरीद रहे हैं या आपके पास पहले से ही है, गाड़ी में लगा हुआ है, आपने किसी सेकंड हैंड गाड़ी ली है उसमें जीपीएस पहले से इस तरीके का लगा हुआ है, या आप नया खरीद रहे हैं या आपको कहीं से मतलब कहीं से मिला है जीपीएस, किसी ने गिफ्ट किया, कुछ भी है, मतलब अगर आपके पास ये जीपीएस है तो आपको बता देता हूँ कि इसको सबसे पहले चलाने के लिए हमें क्या करना है। मान लीजिए आपको लग रहा है कि ख़राब है या चल नहीं रहा है, तो सबसे बेसिक तरीका यही है, बाइक्स हो, स्कूटी हो, कार हो, कुछ भी हो, डायरेक्ट बैटरी पे हमको इससे इसको अटैच करना है। इस तरीके से जब भी कोई नया जीपीएस भी लेते हैं तो सबसे पहले इस तरीके से चालू करके उसको वेरीफाई कर लीजिए, वो ठीक आया है नहीं, पहुंचा है या नहीं पहुंचा आपके पास। ये इस तरीके से है, इसके अंदर एलईडी ब्लिंक कर रही है। सबसे पहले हम इसके लिए एक सिम परचेज करेंगे, सिम हम जो है परचेज करेंगे आपका आइडिया, वोडाफोन या एयरटेल, कोई सी भी सिम परचेज करेंगे, और जियो इसमें नहीं चलेगा। जियो इसलिए नहीं चलता क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ 4G पे वर्क करता है, और जीपीएस जो है 99% जीपीएस आज की डेट में आपका 2G पे वर्क करते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन में से कोई सी एक सिम खरीदनी है, उसके अंदर आप एक 2G का रिचार्ज कराएंगे, सबसे छोटा रिचार्ज। इसके अंदर आपका 100 MB सफिशियंट होता है, 100 MB सफिशियंट है पूरे मंथ के लिए, इसलिए आप ज़्यादा बड़े रिचार्ज ना कराकर छोटा सा एक रिचार्ज कराएंगे। और इस सिम को सबसे पहले चेक करेंगे, अगर आपकी सिम चालू है, नेट चल रहा है, सब कुछ ठीक है तो मतलब सिम आपकी ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद हमारा ये आता है, इसके अंदर तीन तार होंगे आपके, एक ऑरेंज, एक रेड और एक ब्लैक। तो ऑरेंज और रेड को हम एक साथ पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा देंगे। वैसे तो ये ऑरेंज जो है ACC का होता है, लेकिन अभी हम टेम्परेरी बेस पे सबसे पहले आपको ये करना है, आपने कहीं से भी GPS, कोई सा भी GPS हो, आपको यही वो फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ से चेक जब हो जाएगा, सब कुछ ओके, जब लोकेशन आ जाएगी तो उसके बाद हम इसको गाड़ी में लगा देंगे, परमानेंट फिक्स करा देंगे। हमारा ये हो जाएगा कि चलो हमारे पास GPS ठीक आया है, या जो GPS हमारे पास ठीक है चल रहा है। इसके अंदर आप एक सिम डाल, देखिए सिम डालते ही आपका LED ब्लिंक करना शुरू कर देंगे, और आपका इसमें जो है आपका ऑरेंज जो है आपका वो है आपकी ये इसकी सिम के टावर की LED है, और जो ब्लू कलर की LED है ये है आपकी GPS की, GPS फिक्स है या नहीं है, और इसमें बैटरी की इंडिकेटर होता नहीं है, और ये तो वैसे बैटरी वाली है, आप कोशिश करिए कि इसको बैटरी वाली ना हो तो ज़्यादा बेटर है, विदाउट बैटरी इसको यूज़ करें, ये खास करिए GPS विदाउट बैटरी यूज़ करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली सील्ड होता है, कहीं से कुछ अंदर जाने का नहीं होता, और बैटरी का जो है आपका ये होता क्या है, थोड़े दिनों बैटरी फूल के कभी कभी लीक हो जाती है, उससे हमारी प्लेट खराब हो जाती है, GPS डैमेज हो जाता है, इसलिए बेटर है विदाउट बैटरी का ही मंगवाएं। अब देख लीजिए जी, मैंने सिम चेक कर लिया, मैंने सब कुछ ओके है, और ब्लू और आपका ऑरेंज, येल्लो भी कह सकते हैं इसको, ब्लू और ऑरेंज भी कह सकते हैं, तो ये दोनों मेरी परमानेंट जल रही है, मतलब कि मेरा GPS भी फिक्स है और आपका सिम का टावर भी ओके है, मतलब सब कुछ ठीक है। अब हमारा जो GPS है वो ऑनलाइन आ जाएगा, और आप हमारे पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं उसको, हमारी एप्लीकेशन 99 GPS लॉगिन। वैसे इसके लिए आप बेटर है कि हमारा YouTube का चैनल सर्च करें, उसके ऊपर आपको इसके बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी, कैसे हमारे चैनल पर चलाते हैं इसको, सॉरी हमारे प्लेटफॉर्म पर कैसे चलाते हैं इसको, अब एप्लीकेशन कौन सी है, सारी डिटेल है वहाँ पर, इसको कैसे चलाते हैं, इसकी कमांड क्या होती है। अब जो अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, अब जो इसमें सिम डाली है उसके ऊपर आपको क्या करना है, कॉल करनी है अपने फ़ोन से, कॉल कर सकते हैं, अगर आपकी पर्सनल सिम है तो कॉल कर सकते हैं, हमारी सिम होगी तो उस पर कॉल जाती नहीं है, तो उससे बेटर है कि आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं सिम को चेक करने के बाद, अगर आप इस पर आपकी सिम में अगर कॉल करते हैं तो उसके ऊपर आपका क्या है, रिप्लाई आता है, मैसेज का रिप्लाई आता है, और उसमें लोकेशन होती है आपकी, टाइमिंग होती है, सब कुछ होता है उसके अंदर। अब फिलहाल तो मेरा तो सब कुछ ठीक है, तो मैं बंद कर देता हूँ, अगर आपके मान लीजिए LED ब्लिंक नहीं कर रही हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए सिम निकाल लेता हूँ मैं, तो LED ब्लिंक करना दोनों शुरू कर दिए, मतलब इसके अंदर आपका सिम की भी प्रॉब्लम है, GPS की प्रॉब्लम है, दोनों ही प्रॉब्लम है इस टाइम। अगर LED बिल्कुल बंद हो जाती हैं तो देखिए जल्दी, अगर ये बिल्कुल बंद हो जाती हैं और चलती नहीं है किसी भी तरीके से इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद, तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ इंटरनल फॉल्ट है इसके PCB के अंदर। अब आप समझ ही चुके हैं क्या करना है आपको, उससे पहले ही लगाना है, और मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, ब्लू और ऑरेंज को एक साथ लगा देना पॉजिटिव टर्मिनल पे, ब्लैक को नेगेटिव टर्मिनल पे लगा देना, उसके बाद एक सिम वेरीफाई करा के आपको डाल लेनी है, जो कि आपका 2G ही होना चाहिए उसमें रिचार्ज। कभी कभी क्या होता है, रिचार्ज जो 3G या 4G करा लोगे तो चलता नहीं है GPS के अंदर, क्योंकि वो 2G सपोर्ट नहीं करता है जो रिचार्ज है,
और वो 2G वर्क नहीं करता है, तो इससे बेटर 2G का ही कराएं। मतलब सबसे छोटा रिचार्ज करा लें, वो 2G पर ही वर्क करता है। जैसे 100 MB आपको मिलता है 28 डेज के लिए, तो मतलब वो 2G पे वर्क करेगा ही करेगा। ज़्यादा बड़े रिचार्ज ना कराएं, ज़्यादा बेटर है। सिम डालें इसके अंदर, बस यही है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ये फिक्स हो जाएगा, मतलब GPS और वो सब कुछ ठीक है। अगर LED ब्लिंक नहीं कर रही है, मतलब ये ऑलमोस्ट डेड है। और ये वीडियो खासकर इसी GPS के लिए, क्योंकि कुछ GPS में, कुछ नहीं काफ़ी सारे GPS में क्या होता है, हमारा ये जो GPS है स्लीप मोड में चला जाता है, लाइट ब्लिंक करेगी लेकिन उसके बाद स्लीप मोड में चला जाता है, तो लाइट ये ब्लिंक होना बंद हो जाती है, बिल्कुल बंद हो जाती है। तो ये जलती नहीं है वैसे, बहुत रेयरली जलती है, तो इसलिए GPS, ये जो लाइट का सिस्टम है ये खासकर इसी GPS के लिए, इसमें ऑलवेज जलती है क्योंकि इसमें ढक्कन लग जाता है तो दिखता नहीं है। बाकी GPS में क्या होता है, लाइट इस तरफ या इस तरफ कहीं ना कहीं वो रहती है, ओपन में रहती है, वो दिखती है, इसलिए क्या होता है वो स्लीप मोड में जाके अपने आप लाइट ऑफ हो जाती है, उसकी LED ब्लिंक करना बंद कर देती है। LED की वजह से आप हर GPS के ऊपर यही थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप लिंक हैं, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।